शिव से प्रार्थना करते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को देवऋषि नारद ने भजन में लगा दिया। एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए तेरा स्वधा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पंडाल में, फेसबुक यूट्यूब पर, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। यह स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितर लोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृ दोष है, आपको कह दिया कि पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृ दोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है हंडा होता है, पानी का जो मटका है हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृ दोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता है, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या सांस की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें, चलने में दम नहीं भराएगी, सांस नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता हूं, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण, दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा, स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया, स्वधा आप इधर आओ, स्वधा ही हाँ मां, बेटी जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते?
उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा, अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है, जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना पड़ती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोक नगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने, हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता है? तीन प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरुजी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा? पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़ कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ेगा बाद में, पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है। उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के, अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोक नगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़े डाकघर में, वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पुणे तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है, उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचे। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने,
गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा, तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की हमने कथा में नहीं की, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है, जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका, तो अमेरिका में बदल गया। आपने ऑस्ट्रेलिया डाला, वहां में बदल गया। आपने कहीं डाला, नेपाल ले गए, तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहां का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगूर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूड़ी चेंज वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए। फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रहे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ, और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उनने घर छोड़ दिया या वो कहीं चले गए या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो। और कथा का स्मरण, बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोक नगर वालों, बहुत बहुत किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतरवा लेना राय नोन से, इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा और कोई साधारण जगह पर नहीं, राज राजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं, बाबा देव अधिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा, कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूड़ी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ।